दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हस्क्वाना ई पिलियन के बारे में। दोस्तों जब से पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी आई है तब से हर बाइक निर्माता इलेक्ट्रिक सोर्स व्हीकल में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। बहुत से न्यू कंपनी जुड़ी है टू व्हीलर कंपनी में जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। हस्क्वाना भी 250 सीसी बाइक के बाद अब ई पिलियन बाइक लॉन्च करने वाली है जो कि एक इलेक्ट्रिक बाइक है। इकोनॉमी और पर्यावरण को देखते हुए बनाया गया है। 2021 हस्क्वाना ई पिलियन के सारे डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वही अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो हस्क्वाना ई पिलियन सिमिलर है हस्क्वाना विट पिलियन 250 से, बट यहाँ एयर फ्लो के लिए काफी जगह दी गई है इस इलेक्ट्रिक बाइक में। वही बात करें हस्क्वाना ई पिलियन में फ्रंट में डिस्क और 43mm का अपसाइड डाउन फॉक देखने को मिलेगा। फॉक में आपको रेड एडजस्टर देखने को मिलेगा जो कि टॉप ऑफ द फॉक में देखने को मिलता है। यहाँ पे एलईडी हेडलाइट दिया गया है। रियर में आपको एलईडी टेल लाइट देखने मिला और एलईडी इंडिकेटर भी दिया गया है। वही बात करें हस्क्वाना ई पिलियन का मोटर के बारे में तो मोटर यहाँ पे दो वेरिएंट में आपको देखने को मिल सकता है। 4 किलोवाट 5.4 एचपी का, 10 किलोवाट 13.5 एचपी का, और ई पिलियन जो कि इंडियन मार्केट में आएगी वो आएगी 8 किलोवाट की 10.8 एचपी की आपको पावर आउटपुट देखने को मिलेगा। इंजन यहाँ पे जो यूज हुआ है वो फ्रेम माउंटेड यूनिट है ना कि हब है। यहाँ पे चेन ड्राइव का यूज किया जाएगा पावर आउटपुट देने के लिए टायर्स को। दो स्मॉल रेडिएटर भी दिया गया है जिससे इस गाड़ी की बैटरी और इंजन को भी कूल किया जाए जो कि दूसरी बैटरी ओरिएंटेड गाड़ियों में नहीं है। हस्क्वाना ई पिलियन की बैटरी और रेंज के बारे में बात करें तो कंपनी ने बैटरी के बारे में तो कुछ नहीं बताया है, लेकिन हाँ ई पिलियन के रेंज की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 किलोमीटर पर चार्ज आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। और इस गाड़ी में जो बैटरी होगी वो तीन स्मॉल पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। जो भी बैटरी का पावर डाउन हो जाएगा वो बैटरी आप हटा सकते हैं और उसको चार्ज कर सकते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा इंजीनियरिंग काफी अच्छा यूज किया है हस्क्वाना में। तो हस्क्वाना में आपको स्लाइड स्लग मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है जो कि आउटर साइड में रहता है, देखने में और अच्छी देखने को मिलती है। लॉन्चिंग की बात करें तो अभी ये लॉन्चिंग का फाइनलाइजेशन नहीं है, लेकिन 2021 के अंत तक या 2022 के स्टार्टिंग में ये गाड़ी भारतीय बाजार में देखने को मिल सकती है। इस गाड़ी को डेवलप किया जा रहा है बजाज प्लांट जो कि पुणे में है, वहीं पे ही डेवलप किया जाएगा। बहुत जल्द इलेक्ट्रिक गाड़ी भी बहुत सारी कंपनियां लॉन्च करने वाली है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।